ओके okay, सामने घर में बंदा है ओ माय गॉड वो बंदा इधर आ रहा है क्या हम इसको मार सकते हैं ओ माय गॉड वेलकम बैक टू द देसी गेमर्स आज हम लोग करने वाले हैं गन चैलेंज जिसको पता नहीं ये एक शॉर्ट रेंज गन है और शॉर्ट गन एम पे चलती है और पुचुक पुचुक करके दो गोली मारती है तो आज हम इस गन का चैलेंज करेंगे और सिर्फ और सिर्फ इसी गन से खेलेंगे और रैंक मैच को जीतने की कोशिश करेंगे तो गाइस ये गन का चैलेंज हमारे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल वीडियो था तो इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं लेट से क्या होता है और गाइस इस वीडियो पर हम लाइक एम करते हैं गाइस तीस हजार पाँच सौ लाइक 30, likes का मैंने कर कर दिया है। आप लोग दोगे क्योंकि guys ये चैलेंज था बहुत ही हार्ड चैलेंज था आई होप आप कंप्लीट कर दोगे तो गाइस क्या हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे क्या हम एम एटीन सेवेंटी थ्री गन चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे So आपको आपको भी इस वीडियो के बदले मुझे गिफ्ट देना होगा जो भी लोग नए हो सब लोग एक साथ सब्सक्राइब करो और उस बेल वाले आइकन को दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो ओ भाई साहब सो गाइस हमने फाइनली पहला किल कर दिया यहां पर और एम एटीन से हम पूरा का पूरा रैंक मैच खेलेंगे और वीडियो को मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट प्ले करूंगा तो गाइस हम पाँच सौ के, के बहुत ही करीब है तो आई होप आप सब लोग जो भी नए हो सब लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे और इसी तरह का हम खतरनाक चैलेंज वीडियो हम लाते रहेंगे तो हम फटाक से गाइज क्लिप को फास्ट प्ले करते हैं हम नीचे जाते हैं माउंट विला पे माउंट विला नहीं इसको क्या बोलते हैं गोल्फ कोर्स पे ओके यहाँ कोई ओके सामने बंदा मुझे दिख गया है सामने मुझे बंदा दिख गया है तो इस वॉल के पीछे बंदा है लेट से क्या होता है ओके बंदे के पास कोई गन है एम ए एन नाइन्टी फोर है बंदे के पास बंदे का काम तमाम तो गाइज इसी खुशी में सब लोग लाइक कर दो आज का लाइक है तीस हजार पांच सौ लाइक सब लोग एक साथ लाइक कर देना क्योंकि ये चैलेंज गाइज बहुत ही हार्ड चैलेंज था मैंने दो गन गलती से उठा दिया है तो ये बंदा नुबड़ा बंदा था जो भी था यार ऐसे गन कॉम्बिनेशन से कौन खेलता है एम फोर तो मैं सब कुछ फेंक देता हूँ गाइज सिर्फ और सिर्फ मैं खेलूंगा आज एम से तो सब लोग एक साथ यार लाइक कर दो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ तो हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम कैंपिंग करेंगे क्योंकि इस गन से खेलने में क्या होता है कि गाइस हमको ग्लू ग्लूवल की जरूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमको बंदे को सबसे नज़दीक जाके मारना होता है और सेकेंड चीज़ हम बंदे को दूर से अगर देखते हैं तो हमको छुप छिपना पड़ सकता है क्योंकि हम मतलब बंदे के सामने जाके फाइट नहीं ले सकते तो अभी हम क्या करेंगे हम टावर पर जाके थोड़ा देर कैंप करेंगे ठीक है क्योंकि हमको बंदे को पहले देखना है उसके बाद फाइट लेना है वरना बंदा दूर से हमको मार सकता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकता सो आई होप कि हम बंदे को मार पाए यार तो गाइस हम यहाँ पर कम से कम पाँच दस मिनट कैंप करेंगे ठीक है मैं झूठ नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर कम से कम पांच से दस मिनट कैंप करने वाला हूँ ओके पानी के नीचे बंदा आ चुका है गाइस देखो बंदे कैसे सर्वाइव करते हैं कैसे कैंप करते हैं वो बंदा गाड़ी के अंदर है पानी पे घुस गया अभी निकल गया आप देख सकते हैं पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं वो बंदा पानी से निकल गया अब मैं उसको मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लॉन्ग रेंज का कोई गन नहीं है वो बंदा जिपलाइन के पास जा रहा है देख सकते हैं आप अब आपको दिखाई देगा जिपलैन के पास बंदा जा रहा है ओ पांडे जी किधर जा रहे हो ओ भाई भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप इधर आ जाओ भाभी को मिलने जा रहे हो क्या भाभी को बोलना अमित भाई के लिए चाय बनाने के लिए ठीक है ठीक है भाई बाय बाय और हाँ भाभी को बोलना चाय के साथ एक नमकीन बिस्किट भी लाने के लिए मुझे बहुत पसंद है ओके भाई बाय भाई ऊपर चला गया गाइस मेरे पास टाटा करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था सो गाइस गेम पे अभी फोर्टी अलाइव है अब मैंने देखा मैंने थोड़ा थोड़ा देर यहाँ पर कैंप किया मैंने यहाँ पर स्किप किया ठीक है अभी गेम पे सेवन अलाइव है सो so मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर करीब आठ मिनट तक कैंप किया सो so, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अरे भाई साहब बंदा है क्या नहीं है नहीं है मैं डाउन हो गया कोई बात नहीं ओ भाई साहब बंदा है बंदा है मुझे किसी ने मारा नो कहाँ से मारा आई डोंट नो कहाँ से मारा मारा है लेकिन किसी ने अच्छा मारा है साले ने रुक तेरी मैं अभी खोपड़ी तोड़ता हूँ चड्डी फोड़ूंगा तेरी मैं तो गाइस जो लोग भी नए हो सब लोग सब्सक्राइब करो यार इतना खतरनाक चैलेंज लेके आया आयो मैं यार सब लोग लाइक कर देना यार प्लीज़ थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइक का मैंने एम करते हैं इतना बड़ा लाइक का एम इतना व्यूज भी नहीं आता कभी कभी लेकिन गाइस ये गन का चैलेंज का वीडियो डिजर्व करता है कम से कम पचास हज़ार लाइक का समझ से इतना टफ चैलेंज है ये और रैंक मैच पे गाइस क्या बोलो इतना मुश्किल था मेरी तो फट के फ्लावर हो गई थी पर कोई बात नहीं है जो लोग जो लोग भी देख रहे हो सब लोग लाइक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना फाइव हंड्रेड के बहुत करीब है फाइव हंड्रेड के पे हम बड़ा सा की होस्ट करने वाले हैं हाफ मिलियन हो जाएगा हमारा भी यार सब लोग यार सपोर्ट करो ओके okay, बंदा दिख गया गाइस बंदा अरे भाई साहब पीछे बंदा था उसने मार दिया लो मेरा काम उसने आसान कर दिया मुझे पता भी नहीं था उसने वाल के उस साइड वहां पर आप लूट बॉक्स देख सकते हैं वहां पर बंदा था उसने मार दिया सो so गाइस गेम पे ओनली सिक्स अलाइव है क्या हम इस गेम को जीत पाएंगे क्या हम इस गेम को बुया दिला पाएंगे तो गाइस अगर हम गेम को जीतते हैं तो सब लोग एक साथ लाइक कर देना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पाँच के के हम बहुत ही करीब है क्या पता आज ही पाँच के हो जाए यार सब लोग सब्सक्राइब करके पहले के दबा देना और लाइक एम इस गेम का बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो का तीस हज़ार पाँच सौ लाइक मैंने एम कर दिया है तो सब लोग कर देना क्योंकि गाइज बहुत ही टफ चैलेंज है इतना मुश्किल चैलेंज मुझे आज तक नहीं लगा था और मैंने अपने दोस्त के साथ मतलब बेटिंग किया था पाँच सौ का पेटीएम का कि हम अगर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ तो वो मुझे पाँच सौ का पेटीएम देगा सो लेट्स से क्या होता है गेम पे अभी अलाइव है सिक्स लोग अभी मैं बंदे खोज रहा हूँ मुझे बंदा मिला नहीं है और सबसे मेन बात यह है कि मुझे बंदे के सबसे नज़दीक जाके फाइट लेना होगा क्योंकि मेरे पास शॉर्ट रेंज का सिर्फ़ गन है मेरे पास लॉन्ग रेंज का कोई भी गन नहीं है ये गन से अगर दो दो गोली हेड पे मारेंगे तो बंदा का, का काम तमाम हो सकता है अभी तक बंद, बंद ओ बंदा मिल गया बंदा मिल गया वो टू एटी फाइव पर बंदा मार रहा है टू एटी फाइव डिग्री से मुझे बंदा मार रहा है ओके मैं उसके नजदीक जाऊँगा अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं क्योंकि सर्कल उसके पास है सो दूसरा ग्लोअर लगाएंगे हम उसके सामने जाएंगे और उसकी हम चड्डी फोड़ेंगे ओ माई गॉड बंदे के पास ए के और एम टेन है टेन फोर्टीन वर्सेस एम वन एट साहब तो गाइस आपको मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ मजा आ गया तो गाइस उसने मेरी चड्डी तो लगभग फाड़ी दी थी पूरा का पूरा फट चुका था मैं यहाँ पर फायर जलाता हूँ और मेडिकेट खा लेता हूँ फटाक फट से क्योंकि मुझे सर्कल के अंदर जाना है वार्निंग आ चुका है गेम पे अलाये अभी चार लोग देखते हैं क्या होता है फॉर अ लाइफ थ्री किल विथ एम एट सेवेंटी थ्री क्या हम इस गेम को भूया दिला पाएंगे क्या हम इस गेम को जीत पाएंगे क्या देसी गेमर इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा तो गाइज आपको नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करना है सब लोग कमेंट करके बता देना ठीक है तो नेक्स्ट चैलेंज मैं क्या करूँ आप लोग कमेंट करके बता देना तो गाइस अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगता है यार नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार तब तो भाई को सपोर्ट मिलेगा तो मेरे पास गाइज मैंने गलती से एके उठा लिया वेट मैं एके फेंक देता हूँ मैं एक एक फेक के गाइस आप लोग की मतलब क्या बोलता हूँ रिस्पेक्ट अपने मतलब गेम के प्रति अपनी श्रद्धा देना चाहता हूँ यहाँ पर एक एक पहले फेंक देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं ओके okay, कोने में हूँ यहाँ पर मैं फेंक देता हूँ वरना आप लोग बोलेंगे अमित भाई आपने एक उठाया था आपने एक उठाया था आपने के से मारा लेकिन हम एक एक का यूज नहीं करेंगे वो गलती से उड़ गया हड़बड़ी में क्योंकि सर्कल आ रहा था वन वर्सेस वन वर्सेस वन ओनली थ्री अलाइव क्या हम इस गेम को भुया दिला पाएंगे तो मेरे पास सर्कल पे जाना है मुझे और यहाँ पर मैं डाउन होकर जा रहा हूँ ताकि किसी को मेरा लोकेशन पता ना चले क्योंकि मेरे पास लॉन्ग रेंज का कोई भी गन नहीं है मेरे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज का गन है मुझे बंदे के नज़दीक जाके बंदे को मारना है तो जो भी टॉप थ्री बंदा होगा वो ऑब्वियसली अच्छा बंदा होगा तो मुझे अभी यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के खेलना है सो लेट्स सी क्या होता है अभी तक कोई बंदा मुझे दिखा नहीं है सर्कल इतना छोटा है लेकिन मुझे बंदा अभी तक एक भी दिखा नहीं है सो बंदे की दरवाई निकल जा लुका छुपी खेल रहा है क्या हम फ्री फायर खेल रहे हैं निकल जा रहे निकल जा पांडे जी निकल जा जल्दी से निकल जा ओके बंदा दिख गया गाइस अभी मुझे फटक से यहाँ पर ग्लवर लगा लेना है क्योंकि मैं फ़ाइट नहीं ले सकता है मेरे पास फाइट लेने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ पर फाइट लेने के लिए इस पुटुक पुटुक वाली गन के अलावा कुछ भी नहीं है सो उसने भी ग्लवर लगा लिया वो भी ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है क्योंकि टॉप थ्री पे आया तो ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर ही होगा सो सबसे छोटा सर्कल यहाँ पर शुरू हो चुका है सबसे छोटा सर्कल सो क्या हम इस गेम को भुया दिला पाएंगे क्या हम विनर विनर चिकन डिनर हो कर पाएंगे तो हम यहाँ पर गए मेरे पास ग्रेनेड तो नहीं है मेरे पास ये धुआं वाला ग्रेनेड है इसको क्या बोलते हैं पता नहीं फ्लाश बैंक है मैं इसको फेंक रहा हूँ सो ओके ओ भाई वो दो वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक बंदे ने ग्रोजा से मार दिया नीचे वाले बंदे को सो उसके पास गाइस ग्रोजा है ओ भाई साहब मज़ा आ गया उसके पास ग्रोजा है वो भी अच्छा बंदा है गाइस देखो उसने दो ग्लोवाल लगा दिया तो ऑब्वियसली अच्छा बंदा होगा सो मैं भी यहाँ पर ग्लवार लगा देता हूँ और उसका वेट करता हूँ मैं हाइट पे इसलिए आया क्योंकि मैं उसको हेडशॉट मार सकता हूँ करके कुछ इस प्रकार से ओ भाई साहब मिस हो गया नहीं नहीं छोटा भीम डोरेमोन नो माइ गॉड वी डिड इट सो गाइज फाइनली हमने चैलेंज कंप्लीट कर दिया जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो हमने फाइनली इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है गाइस अगर अच्छा लगा तो सब लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो यार तो so, अब नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करूँ कमेंट में बताना ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय